विक्रमी संवत 1575 सन 1518 महीना माघ शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी को कबीर साहेब जी हजारों लोगों के सामने सहशरीर सत्यलोक को चले गए। उनका वहां शरीर भी नहीं मिला था। कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस यह परमात्मा की ही दया है कि भारत की धरती पर ऋषि मुनि गुरु संत अवतार और महापुरुषों का जन्म होता रहा है। इनमें से कई बड़े समाज सुधारक रहे तो कईयों ने यहाँ व्याप्त पाखंड का कड़ा विरोध कर नया इतिहास रचा। इन्हीं महापुरुषों में एक नाम स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी का भी है, जिन्होंने समाज सुधार और लोगों का परोपकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कबीर साहिब जी सहशरीर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए और बचपन से ही समाज में व्याप्त पाखंडवाद आडंबरों और कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण उस समय के हिंदू और मुस्लिम धर्म के ठेकेदार उनके दुश्मन बन गए और उन्होंने परमेश्वर कबीर जी को सैकड़ों यातनाएं भी दी। लेकिन कबीर साहिब जी ने दोनों धर्मों में फैले पाखंड व आडंबरों का खुलकर विरोध किया। कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। काफ़ी करोड़ों की लाखों की तादाद में श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। भारी तादाद में यहां वाहन पार्किंग में खड़े हैं। ये जोधपुर रोड है और देखा जाए तो झालावाड़ जिले की संगत इस बस के अंदर आई हुई है और ये झालावाड़ ज़िले से भगत मनोहर थाना वाले सभी सेवादार सेवा में यहाँ खड़े हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।